नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह और मैं राहुल सुंदरन। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मशाला पच्छाद उपचुनाव में लहराया भगवा, दोनों क्षेत्रों में जीते भाजपा उम्मीदवार। धर्मशाला में भाजपा के 32 वर्षीय विशाल नेहरिया ने पाए 23,498 वोट, 430 ने दबाया नोटा। पच्छाद में रीना कश्यप ने बनाए रखा भाजपा का भरोसा, 22,167 वोट पाकर जीती। मतगणना के जोश के बीच परेशान हुए परीक्षा देने पहुंचे छात्र, एग्जाम पोस्टपोन होने की नहीं थी जानकारी। बरसर में बच्चे की मौत पर रात भर हंगामा, डॉक्टर नर्स के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े लोग। और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में हिमाचली गबरू अमिताभ मलिक ने जीता कांसा। अरब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। धर्मशाला में भाजपा उम्मीदवार विशाल नेहरिया ने 6,458 मतों से जीत हासिल की, जबकि पच्छाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीना कश्यप 2,779 वोट से विजयश्री पाने में सफल रही। गुरुवार सुबह दोनों ही स्थानों पर 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और भाजपा ने धर्मशाला व पच्छाद में आरंभ से ही बढ़त कायम कर ली, जो कि अंत तक कायम रही। हालांकि धर्मशाला में शुरुआत में कांग्रेस दूसरे स्थान पर कायम थी, लेकिन धीरे धीरे आजाद उम्मीदवार राकेश चौधरी ने उसे तीसरे स्थान पर धकेल दिया। दूसरी ओर पच्छाद में भाजपा उम्मीदवार बेशक पहले स्थान पर कायम रही, लेकिन उनकी बढ़त का अंतर बहुत ज्यादा नहीं उठ पाया। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा के 32 वर्षीय विशाल नेहरिया ने कुल 23,498 वोट हासिल कर भगवा दल के लिए टिकट बरकरार रखी है। एमए इंग्लिश के अतिरिक्त एलएलबी की उपाधि हासिल करने वाले नेहरिया वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं। उपचुनाव में दूसरे स्थान पर आजाद उम्मीदवार राकेश चौधरी रहे, जिन्हें कुल 16,740 मतदाताओं का साथ मिला। धर्मशाला में सबसे अधिक निराशा कांग्रेस को मिली, क्योंकि यहां पार्टी उम्मीदवार विजय इंद्र कर्ण मात्र 8,212 वोट हासिल कर पाए और तीसरे स्थान पर रहे। इनके अतिरिक्त उपचुनाव में बतौर आजाद प्रत्याशी भाग्य आजमाने उतरे पुनीत शर्मा पाधा 2,345, डॉक्टर मनोहर लाल धीमान 887, निशा कटोच 435 व सुभाष शुक्ला 368 मत प्राप्त कर पाए। बता दें कि धर्मशाला के कुल 82,317 मतदाताओं में से 52,485 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें से नोटा दबाने वालों की संख्या 430 रही। पच्छाद बाई इलेक्शन में भाजपा की युवा उम्मीदवार रीना कश्यप ने पार्टी के विश्वास पर खरा उतरते हुए कुल 22,167 मत पाकर जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर कांग्रेस दिग्गज गंगूराम मुसाफिर रहे, जिन्हें 19,359 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार दयाल प्यारी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनका अभियान 11,698 मतों पर ही थम गया और वह तीसरे स्थान हासिल कर पाई। इनके अतिरिक्त निर्दलीय पवन कुमार को 428 और सुरेंद्र पाल को 292 वोट मिले। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 54,309 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिनमें से 381 ने किसी भी उम्मीदवार के मुकाबले नोटा का बटन दबाना बेहतर समझा। सबका आशीर्वाद और खासकर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता है, जिन्होंने घर घर जाकर अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी जी? धर्मशाला उपचुनाव की मतगणना कई ऐसे नौजवानों पर भारी पड़ गई, जिनका न चुनाव से कुछ लेना देना था और न ही चुनाव प्रक्रिया से। ये वे लोग थे जो तय तिथि के अनुरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने पहुंचे थे। एडमिट कार्ड के अनुसार इनका परीक्षा केंद्र धर्मशाला कॉलेज में था, जो मतगणना स्थल प्रयास भवन के समीप है। ऐसे में इम्प्रूवमेंट एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन इस संबंध में प्रदेश के कई क्षेत्रों से पहुंचे परीक्षार्थियों को सूचित ही नहीं किया गया था। जाहिर है, पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार जब नौजवान गुरुवार सुबह परीक्षा देने धर्मशाला पहुंचे, तो उन्हें इसके स्थगित होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वे व्यवस्था को कोसते नजर आए। शिक्षा विभाग लापरवाह होता जा रहा है। शिक्षा विभाग लापरवाही नहीं, निहायती
कामचोर और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बनता जा रहा है। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के हमारी लेट फीस ली, तो अभी ये जो हमारा खर्चा हो रहा है उसके लिए कौन भरपाई करेगा? हमारी हमारा जो आने जाने का है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है। ये 3 घंटे इन्होंने, हो सकता है 24 को एग्जाम था तो इन्होंने क्वेश्चन पेपर भी सब कुछ लगा दिए थे, सिर्फ 3 घंटे किसी भी रूम में इधर कंडक्ट कर सकते थे, इनविजिलेटर लगाते, जो एग्जाम की व्यवस्थाएं थी उनको ये कंडक्ट करते, और 3 घंटे में इतने लोगों की जो दुर्व्यवस्था फैल रही है, जो 1000, 2000, 3000 किलोमीटरों से आ रहे हैं, अपना प्लानिंग डिस्टर्ब करके आ रहे हैं, वो स्मूथली। हमीरपुर जिला के बड़सर अस्पताल में डायरिया से पीड़ित बच्ची को इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत होने पर लोगों ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। घटना से व्यथित परिजनों और स्थानीय लोगों के आक्रोश का आलम कुछ ऐसा था कि वे बुधवार रात से गुरुवार सुबह 3:30 बजे तक अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उन्होंने एक डॉक्टर और एक नर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। 80% मामला गंभीर होता देख बरसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल आंदोलनरत लोगों से मिलने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त करवाया। 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से 2772 शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी वर्तमान में 22 शिक्षण संस्थानों की पड़ताल कर रही है, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद एजेंसी ने कदमताल तेज की है। दरअसल इतने बड़े घोटाले में मात्र 22 संस्थानों को ही जाँच के दायरे में लेने को न्यायालय ने गंभीरता से लिया था। इसी के बाद सीबीआई ने सभी इंस्टीट्यूशंस की जानकारी तलब की है। उच्च न्यायालय में मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित है और माना जा रहा है कि एजेंसी उससे पूर्व जांच का दायरा बढ़ाना चाहती है। हिमाचल में 30 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूनतम पारे में जरूर गिरावट आएगी। बात अगर गुरुवार की करें तो शिमला के अधिकतम पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गयी, जबकि ऊना में ये दर 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। और अब खेल समाचार। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हमीरपुर जिला के सुजानपुर निवासी अमिताभ मलिक ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। मलिक ने चेन्नई में संपन्न हुई प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मलिक के कोच राकेश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत के अलावा श्रीलंका, दुबई, दक्षिण कोरिया और चीन ने भाग लिया। अमिताभ को 70 से 75 किलो भार वर्ग में कामयाबी मिली। वहीं हिमाचली खिलाड़ी को मेडल के साथ एशियन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का टिकट भी हासिल हो गया। यह प्रतियोगिता इटली में आयोजित की जाएगी। और अब चलते चलते शिमला के देहा में युवक और युवती ने जहर खाकर दी जान। विवाहित थे दोनों। अलॉटमेंट के बाद भी काम शुरू ना करने वाले 737 पावर प्रोजेक्ट्स को नोटिस। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पद ना भरे तो रुकेगी यूजीसी ग्रांट। और मंडी की कटौला पंचायत में ढांक से गिरकर ग्रामीण की दर्दनाक मौत। हिमाचली तड़का में पेश है सोनू जसवाल और ज्योति राठी की आवाज में यह लोकगीत। सूट लाई तू पराना, झुरिया सूट लाई।
पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।